आज का ये जो कार्यक्रम है वो बच्चों के सुरक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए बच्चों की आवाज़ को उनके माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश बच्चों ने की है और सहयोग उसमें वॉइस ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन का है। मित्रों, बहुत देर से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हम लोग शीघ्र प्रारंभ करें। बच्चे अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए बहुत आकुल हैं और अब बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे हमारे दोनों जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि उन्हें ऐसा सम्मान सागर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आके दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सहयोग के लिए राधा जो हमारी बाल सहयोगिनी है, राधा आप आ जाइए सहयोग के लिए। छुट्टी जी जो हमारी डीएसपी की कन्वीनर है कविता जी ड्राइव दिल्ली से हमारे बीच में है, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। और अब मैं श्रुति जी से अनुरोध करूंगा जो हमारी बीओपी की संयोजिका है कि पहले बैच लगा करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर ध्रुव पांडे जी को कमलेश जी से निवेदन है कि हमारे विशेष अतिथि मिथिलेश कुमार सिंह जी को बैच लगा करके उनका अभिनंदन करें। श्रुति जी से अनुरोध है कि हमारे दोनों अतिथियों को बुके प्रदान करके उनका स्वागत करें। संध्या जी से अनुरोध है कि अंकित सिंह जी को उनका स्वागत करें। पंकज जी को और कविता जी को भी मुख्य प्रेजेंट करें। हमारे सहभागी हैं, हमारे सहयात्री हैं इस पूरे कार्यक्रम में। श्रुति जी से अनुरोध है कि दोनों हमारे अतिथियों को और मैं इसी के साथ सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आगे मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। अब मैं सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा श्रुति नागवंशी जी को कि वो आएं और आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करें और इसकी थीम को आप सबके सामने रखें ताकि उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। श्रुति, नमस्कार सभी को। सभी बड़े और छोटे सबको हम वॉइस ऑफ पीपल और क्राई की तरफ से आप सबका यहाँ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
सुरक्षा हमारा हक जो आज के दिन का थीम है, और अभी आगे बच्चे जो है अपनी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति देंगे। तो आज के दिन में आप सब बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अलग अलग संस्थाओं से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग 10 जिलों से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके साथ उनके साथी जो वयस्क साथी हैं जो उनके अभिव्यक्ति में मदद करते हैं, उनको एक दिशा दे पाते हैं, तो उनका और विज्ञान फाउंडेशन से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, उन बच्चों का हम लोग सबसे पहले वॉइस ऑफ पीपल और ट्राई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जो हमारी मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अशोक पांडे जी, उनका हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में दूसरे मुख्य अतिथि डॉक्टर एम के सिंह, और साथ में श्री जगन्नाथ सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ जी अभी नहीं पहुँचे हैं। तो आप सब लोगों का एक बार हम सब लोग बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश आज की एक शुरुआत है कि हम लोग पिछले वर्ष भी इसी सभागार में हम लोग ने हमारे बच्चों ने शिक्षा के मुद्दे पे, शिक्षा अधिकार में जो उनका वंचितीकरण है उस मुद्दे पे अपनी अभिव्यक्ति दी थी। और इन बच्चों की तरफ से हम यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि बच्चों के उस अभिव्यक्ति में शौचालय का मुद्दा बहुत उभर के आ रहा था, जो आज के समय में एक राष्ट्रीय अभियान की तरह से देखा जा रहा है। शौचालय नहीं होने की वजह से विद्यालय में कैसे बच्चे विद्यालय से बाहर हो जाते, विशेषकर लड़कियां जो बाहर हो जाती हैं, और केवल बाहर नहीं होती, शौचालय नहीं होने की वजह से उनके ऊपर जो असुरक्षा का खतरा लगातार मंडरा रहा होता है, तो उस विषय पे लोगों ने आवाज उठाई। और जो स्कूल नहीं होने की वजह से तमाम तरीके के भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ते हैं, संसाधनों का अभाव होता है, उसको बहुत मुखर रूप से इन बच्चों ने उठाया था। इस वर्ष इन्होंने ही तय किया कि सुरक्षा का मुद्दा हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है, और उसके ऊपर आज की इनकी अभिव्यक्ति है। और देखा जाए तो हम बड़े भी इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित हैं। पूरे भारत में बच्चों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है, और ये चिंता की बात है कि आज के समय में जहाँ इतना विकास हम लोग देख रहे हैं, उस समय में भी बच्चों की सुरक्षा अभी भी एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। और मुझे चिंता है कि ढांचागत विकास के बारे में हम सब लोग चिंता करते हैं, और हम सब लोग अपना अपना सपना सजोते हैं, अपनी भूमिका देखते हैं कि किस तरह ढांचागत व्यवस्था हो, हमारा शहर सुंदर हो, हम अच्छा से अच्छा बहुमंजिला इमारत बना सकें। लेकिन जो मानव विकास होना चाहिए, और मानव विकास का जो नींव है हमारे बच्चे, उन बच्चों के बारे में हमारी कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती। हम सब उसमें शामिल हैं, क्योंकि हम सब लोग एक सुंदर शहर देखना चाहते हैं, पर एक सुंदर भविष्य, एक सुंदर बचपन, जो बचपन कल का भविष्य है, उस बचपन के बारे में हमारी चिंता नहीं होती है। और तो इस सुरक्षा का मुद्दा जो बहुत ज्वलंत मुद्दा हमें दिखाई दे रहा है, हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है, और एक बहुत विकराल रूप में सामने आ रहा है, उस विषय को लेकर के हम सब लोगों की आज के दिन की चिंता है। और वो सिर्फ आज के दिन की नहीं, अभी की नहीं, बल्कि लगातार ये चिंता है। हम वॉइस ऑफ पीपल और हमारी जो सहयोगी संस्था है QICSE, इसके माध्यम से हम लगातार सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के ऊपर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आज का एक अलग तरीका है कि बच्चे अपनी आवाज को आगे ला रहे हैं आपके सामने, और हम लोग उनसे परिचित होंगे। मैं यहाँ इंगित करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में 9,00,000 बच्चे अभी भी काम में लगे हुए हैं, बाल श्रम में लगे हुए हैं। पूरे भारत की स्थिति देखी जाए तो वो कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में से 32 जिलों में मुरादाबाद, मेरठ, बनारस, इस तरह के कई जिले हैं जहां बच्चों को विद्यालय से बाहर कामकाज में लगना पड़ रहा है। बड़ी संख्या है बच्चों के गायब होने की। NCERB के रिकॉर्ड के अनुसार अगर 7,000 बच्चे साल भर में पूरे भारत में गायब होते हैं, तो केवल 11,000 बच्चे घर पहुंच पाते हैं।
इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है जहां बच्चे लगातार असुरक्षित अवस्था में हैं। और ये अगर बाल विवाह का आंकड़ा को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो पूरे भारत में 50% लड़कियों की शादी 18 साल के उम्र के पहले हो जा रही है। तो कुछ छोटे कुछ आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को देख करके हमारी चिंता गहराती जा रही है। और केवल बाल विवाह, केवल बच्चों का गायब होना या केवल बाल श्रम, इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार से बच्चे असुरक्षित हैं। शौचालय जैसा कि बड़ा मुद्दा है, उससे भी बहुत भारी संख्या में बच्चों के साथ यौन हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। यौन हिंसा की बहुत सारे बच्चों से के सुरक्षा से जुड़े बहुत से सारे कानून हाल के वर्षों में आए, लेकिन देखा जा रहा है कि उनका कोई असर समाज पे या जो नीति निर्धारक तत्व हैं, लोग हैं, या जो लागू करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इतने सारे कानून आने के बाद भी उनका कोई असर समाज पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्हीं चिंताओं को लेकर के हम लोगों की आज की ये प्रस्तुति है। और सबसे बड़ी जरूरत है कि न केवल परिवार, समाज, बल्कि हमारा जो शासन है, प्रशासन है, जो खास करके जो बच्चों की सुरक्षा के को सही तरीके से व्यवस्थित करने वाली जो सुरक्षा प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों को अपने व्यवस्थित तरीके से बच्चों को केंद्र में रख करके काम करना पड़ेगा। वरना जो आज के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो आंकड़े कम होते हुए शायद नजर नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने पूरे इस कार्यशाला की पूरे अच्छे से कॉन्टेक्ट सेटिंग की कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार करने जा रहे हैं। बशीर बद्र के शब्दों में कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए मासूम को हंसाया जाए, तो कुछ ऐसी कोशिश इन बच्चों ने भी यहाँ पर की है। हाल के वर्षों में क्राई द्वारा और यूपी द्वारा ये कोशिश रही है कि बच्चों की आवाज़ को बच्चों के माध्यम से ही हम सबके सामने ले आए, ताकि वो एक दिल पे गहरा असर करे और जो हमारे नीति नियंता हैं वो सोचने के लिए मजबूर हों कि उसको कैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना है, क्या सोचना है। तो अब तक के जो प्रयास रहे हैं उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं वीओपी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं कमलेश चंद्रा जी, उन्हें आज सादर आमंत्रित करता हूँ कि आवे और संक्षेप में अपनी बात करें। कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है और छोटू जी ने बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी स्पष्टता के साथ सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के मसले को रखा। पीओपी का ये लगातार कई वर्षों से बच्चों की भागीदारी के प्रयास का एक पड़ाव है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जो पार्टनर के बच्चों के ग्रुप हैं तकरीबन उसमें 1,250 ग्रुप के 1200 से 1400 बच्चों की भागीदारी के साथ ये काम शुरू किया गया। हमारे बीच में वाल्टर पीटर जी जो बच्चों के इस कार्यक्रम को फैसिलिटेट किए पिछले साल या फिर की तरह इस वर्ष भी, और इस पूरे कार्यक्रम का जो थीम है वो तीन नाटिकाओं पे निर्भर है। इसमें पहला है कि ना आता न पता लापता, दूसरा जो नाटिका है काम है इतना नहीं बचा सपना, और तीसरी जो थीम है बचपन का मतलब आजादी ना कि चूल्हा चौका शादी। साथियों इन्हीं तीन थीमों पे पूरा ये कार्यक्रम निर्भर है। जो गांव से आए बच्चे कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनका जो दुख दर्द है, उन्होंने जो अपने आसपास में बच्चों के अधिकारों के हनन को देखा है, वो इन नाटिकाओं के माध्यम से आप सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आशा नहीं उम्मीद है पूरी कि आप लोग उसी संवेदनशीलता में, हम लोगों की जो संवेदनशीलता है, जो मुद्दा है, उन मुद्दों के साथ जहाँ जहाँ हम हैं बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
अमरीश जी, और हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोग बच्चों की स्थिति के ऊपर करना चाहते हैं, जैसे ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा की स्थिति क्या है, बच्चे किस प्रकार से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कुछ प्रयास बच्चों के लिए हो रहे हैं वो कितने हमारे लिए कारगर हैं, कितने काफ़ी हैं, कितने नाकाफ़ी हैं। मैं रिनिका जी से अनुरोध करूँगा कि जो प्रेजेंटेशन जल्दी से लगाएं, और बच्चों के और आपके बीच में हम ज़्यादा अवरोध पैदा नहीं करना चाहते हैं, इस छोटे से प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद ये सामने की लाइट जरा प्लीज ऑफ कर दीजिए। सुरक्षा हमारा हक, जैसा आप सभी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा, कुल करीब 75 जिले हैं, आबादी के हिसाब से देखें तो दुनिया में अगर 7 कंट्रीज के पास देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, करीब 813 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ी भूभाग पे उत्तर प्रदेश हमारा स्थित है। जो स्वास्थ्य की स्थिति है, NMHS 3 की जो रिपोर्ट है उसमें पता चलता है कि चिल्ड्रेन अंडर 3 जो स्टंटेड हैं यानी कुपोषण की अवस्था में हैं वो करीब 52.4% है। जो 6 से 35 महीने के बच्चे हैं उनमें एनेमिक बच्चों की संख्या करीब 85% है। 0 से 5 महीने के जो बच्चे हैं उनमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट फीड है वो सिर्फ 51.3 बच्चे ही ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी अस्पतालों में प्रसव होने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ अभी भी सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी सिर्फ 22% है। क्रूड बर्थ रेट जो है हमारे प्रदेश में 27.8% है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी की रेट जो बाल मृत्यु दर है वो हमारी करीब 57 है प्रति लाख आबादी पर। शिक्षा की स्थिति देखें तो लिटरेसी रेट बिहार में 69.72 है 2011 के हिसाब से। ऑफ दैट मेल लिटरेसी स्टैंडर्ड 79.24 वाइल फीमेल लिटरेसी बिहार प्रिंट हो गया जबकि वो उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जेंडर में सेक्स रेशियो जो है वो हमारा 1000 की आबादी पे सिर्फ 899 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो आगे बढ़े। वॉयलेंस की अगर हम स्थिति देखें तो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2013 का जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से करीब 105 केसेस जो जुवेनाइल्स के द्वारा जो है वो हुए हैं। 1495 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज फाउंड ऑफ इनक्रेट कनेक्टेड 3050 केसेज ऑफ रेप रजिस्टर्ड इन सेक्शन 376 ICC आउट ऑफ विच 787 केसेज वेयर विक्टिम्स वर बिटवीन 14 से 18 साल तक के हमारे बच्चे रहे 0.7 और शहरी क्षेत्रों में 2.7 महिला और पुरुष का आंकड़ा देश में दिया हुआ है। बाल विवाह यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह का 52.5% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व है। 2007-08 के अनुसार 48% लड़कियों का 18 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह के आंकड़े देखें तो बालकों का 23.4% है और बालिकाओं का 0.8% है। प्रदेश में बाल विवाह के आंकड़े विश्लेषण करें बालकों का 0.2% वहीं बालिका 3.9% है। प्रदेश में बाल विवाह 1997 में होता है वहीं गाँव का सबसे बिजनौर में 8.4% है। देश में बालकों का अधिक विवाह 64% सिद्धार्थगढ़ में है और बालिकाओं का 88.2% बस्ती में होता है जो कि बहुत बड़ी संख्या है और ये दोनों जिले पूर्व जैसे संबंध रखते हैं। शोषण की स्थिति देखें जिसमें बच्चों का शारीरिक शोषण दोनों शामिल है तो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2012 के अनुसार 2011 में बच्चों अपराध 24% भी हुई है और 26,600 को दर्ज किया गया था वहीं 2011 में इनकी संख्या 33,098 हो गई। प्रदेश में बच्चों नादों में 16.6% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में 44% बच्चों के अपहरण के मामले है। प्रदेश में बच्चों से दुष्कर्म मामलों में पहल पर रहा है इसके बावजूद देश में बाल कोई ठोस अभी तक सामने ऐसा दिख रहा है।
एशियन सेंटर फॉर यूनेट की रिपोर्ट इंडिया हेल होल्ड 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2011 5949 बच्चों के साथ रेप की दर्ज किए गए जो पिछले नंबर सर्वाधिक आए। यौन में अगर आप देखें तो देश में बाल यौन शोषण करीब 24.5% बाल यौन शोषण के देखें तो 2008 में दर्ज किए गए, 2012 में इसमें कमी देखने को मिली जो 1400 हुई है, 2022 में किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि वो लैंगिक अपराधों से बचाने का एक कानून पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने पारित किया, तो प्रदेश में 2012 में तो लखनऊ 345 मामलों में पॉक्सो एक्ट लगाया, मुरादाबाद में 167, गोरखपुर और मेरठ में 20, बरेली 105, इसमें 5 सर्वाधिक समय मिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक सामने आ रहे हैं। 2013 में लैंगिक अपराधों से पारित अधिनियम के 3128 विभिन्न धाराओं में के अंतर्गत किया गया है विगत वर्षों से कहीं अधिक है। ऐसी सर्वेक्षण के प्रदेश में प्रतिदिन 40 से 45 बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, लगभग 6-7-5 बच्चों का प्रतिदिन यौन शोषण के बाद हत्या कर दी जाती है। गुमशुदा बच्चे जिसके बारे में अभी हम नाटक भी देखेंगे और आगे चल के कहीं कहीं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं, तो 2000 राज्य अनुसंधान ब्यूरो के आंकड़े थे, गुमशुदा 3800 में से 2310 वापस आए और 1500 अभी भी लापता है, बच्चे कहाँ हैं इस किसी को कोई जानकारी। प्रदेश में 2012-13 में बलात्कार के 65 मामले दर्ज किए गए, मामलों में 0 से 10 के कुल 120 मामले, 15-987 मामले, 15 से 18 वर्ष के सर्वाधिक 159 केस दर्ज किए। लड़कियों का जहाँ एक वर्ष में मात्र 213 लोगों का अपहरण किया गया, वहीं लड़कियों की संख्या कई गुनी अधिक है। वर्ष 2012-13 में 4000 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किए गए, तो इससे साफ स्थिति यह होती है कि अपहरण ज्यादा ताकि उन्हें सेक्स ट्रेड और इस तरीके के कामों में धकेला जा सके। तो वर्ष 2012-13 में जहां 0 से 10 वर्ष के मात्र 49 मामले दर्ज हैं, वहीं 10 से 15 वर्ष के 206, 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के सर्वाधिक मामलों 3097 दर्ज किए। तो ये ऐसे आंकड़े हैं जो हमें झकझोरते हैं, हमें बात के लिए रखते हैं कि हम समाज के स्तर पे, हम समुदाय के स्तर पे और साथ साथ हम राज्य के स्तर पर भी, पंचायत के स्तर पर भी अपनी जो निगरानी है, अपनी जो मतलब वो पूरी दिखी रखें और ऐसे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं स्थितियों में जा रहे हैं, तो एक शुरू तौर से ही एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो बच्चों उनके घर से संरक्षित करें, उनके घर में संरक्षित करें, सरकार से उनको संरक्षण मिले, ये बचपन पूरे से भूले। धन्यवाद छोटे साथियों, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ हैं और आप सभी को प्रमाण पत्र देने के लिए और अपनी बात को आपके आशीर्वाद के तौर पर रखने के लिए आज के मुख्य अतिथि पांडे सागर आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी था काफी समय से वो राज्य आयोग की सदस्य हैं, सागर आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में उषा एडवोकेट से भी आई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनय, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में भाग और महिलाओं का नाम काफी आगे आया, तो उनसे भी नहीं होगा कि वो उसके आ जाए। और सुशील जी ये तो मैडम आपके आगे ले जाकर मैं निवेदन करूंगा पंकज जी से, कल से आप लोग भी कृपया मंच पे आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। आप बोल दे रहा हूँ, सलीमा लेके बच्चे लेकिन को आगे जाके बिंदू कुमार, खुशी, अविनाश कुमार, राजकुमार, सत्यनारायण, मनोज कुमार, आपसे लाइव मिल जाइए, लेके बच्चे जाओ, सबको प्रणाम करिए आगे जाइए। कहाँ तक हुआ उसी नाम बताओ, चलिए अविनाश कुमार आइए, ठीक है।
फिर उसके बाद राजकुमार मनोज कुमार ठीक है संजय था संजय सुनी सहाय सहानी सत्यजीत विश्वास लौट कह रही पारुल शंकर पारुल सरकार कर्मा सतना यास्मीन यास्मीन अनिल श्रीवास्तव राधा कुमारी जय हिंद सफीक शिव कुमार महेंद्र का सचिन शर्मा आधार सिंह प्रियंका पहले राधा सचिन बलराम पवन कुमार शिव कुमार कुमार शिव कुमार शैलेंद्र विजय कलाकारों में बच्चे भी आए पड़े थे मैं एक बार उनके आते दू अवधेश पढ़े जाइए रामचंद्र भाट जो पंडित बने थे नाजिया मंसूर शिवनारायण ब्रज रामलखन वीरेन दिलीप देन इन लोगों के लिए एक बार सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जी आप फोटो करके आप लोग आप सभी लोग योगा में सुनना चाहते हैं और यहाँ से पानी भी निकलना बहुत हमारे बीच में है मैं सर सारे सम्मान हासिल करता हूँ वाकई से जो था सदा मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि वो आपके आयोग माध्यम से पिछड़ों से संबंधित आयोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सशक्त नहीं हो पाया है जिस तरीके से करना चाहिए हो पाया है जो भी जिम्मेदारी मानव का काम देखती है तो आप यही जिम्मे हैं तो मैं उम्मीदूंगा कि आप माध्यम से निपासक जाए आपको समझ आज ये सभी नाटककार जिसे जिसने रचना की सारी थी आइए सामने बैठे प्यारे बच्चों लोगों ने तीन भाग में नाच दिखाए इतने और भी मेरी तो आंखें न हो गए जैसा कि पूछा इसकी जिम्मेदार कौन है इसके जिम्मेदार हम सब है और हमारा समाज उन कुरीतियों पर चल रहा है ये परंपरा रहते हैं हम तो बन जाते लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें बच्चों का कैसा बनाना है मैं प्यार आपको दूंगी मैंने अपने बच्चे को फिर उसको बताया कि आपका जाति है रहे समाज है मोहल्ला होने का मैं अपने जो माँ बाप से ही कह जाती हूँ कि वो सवाल है कि वो बच्चे को कैसे बनाना है निश्चित ही आग बढ़ेगा और अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा माँ बाप जिस तरह से बच्चों से मजदूरी करवा खत्म कर परिश्रम करके अपने बच्चों को बनाए ऐसे हम उम्मीद है बहुत ही कम लोग बचे हुए मेरा अभी नगर से बात हो गई है मैं ये चाहूँगी ऐसे ही नाश्ता में अभी नवंबर में अपने जा रही माध्यम से तो मैं आप मदद करूँगी खुशियाँ आप आए बाद में बात करेंगे हमारे आयोग माध्यम बता हमारे आयोग अध्यक्ष स्वयंवर थे और हमें जो भी दर्शाया बहुत ही अच्छा था लेकिन फिर भी हम बहुत ही दुखी हुए कि हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बीच के बच्चे कहाँ से कहा हम सबको सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि कहीं बच्चा अगर मिलता है बाल मजबूत हुआ आवाज उठाए और उसको न्याय देना यदि नहीं मानता है तो कानून आपके साथ है प्रदेश सरकार साथ है आप जरूर कराए हम सभी योगी बनेगा हम उत्तर प्रदेश सरकार करके हम लोगों की करेंगे बहुत बहुत और आज बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक प्रोग्राम था हम आगे भी चले आप लोग जो में जाकर तरह के प्रोग्राम बनाए हमसे पूरी मदद होगी हमने धन्यवाद
करना चाह रहा हूँ उषा जी को जो रेड लखनऊ, और आप सभी को बहुत जान के खुशी होगी कि उनको अभी हाल ही में लॉर्ड्स कंपनी द्वारा रेड एंड व्हाइट दिया गया है, जो ये सशक्तिकरण के लिए अभ्यास है उनको सम्मान दिया गया है। इससे भी अनुरोध होगा कि संक्षेप में हमारे बच्चों को और अतिथियों को वर्जित करें और उसको कार्यक्रम समाप्त करें। थैंक यू सर। पहले तो क्षमा चाहूंगी कि मैंने एक नाटक मिस कर दिया और इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहो। और मैं आई तो कार्यक्रम देखकर मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि हम इसी विषय पे काम कर रहे हैं। बाल मजदूरी एक हमारे जो भारत में एक बीमा की तरह गया है जो कि इसको निकालना बड़ा हो रहा है, लेकिन कोशिश ही इसे हम लोग का खास रहा तो निश्चित ही करके बात तो जरूर ही जाएगा। और जो नाटक यहाँ बच्चों ने किया हुआ कि बहुत अच्छा रहा। और तो मैं कहना बच्चों से ये नाटक नुक्कड़ ग्रामीणों में और मोहल्ले में कीजिए। जो यहाँ बहस हुई है वो बहुत ना रही और ऐसे डिबेट हम समाज में जा करके, क्योंकि यहाँ कुछ लोग जागरूक, अगर ये जैसे हम समाज में मोहल्ले में गए लोगों की आंख ज्यादा खुलेगी। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद उषा जी। मैं पंकज से निवेदन करूँगा करके और धन्यवाद भी मैं करूँगा। सभी को धन्यवाद। यहाँ मौजूद सारे बच्चे जो अलग अलग दिनों से दर्शक से यहाँ पिछले तीन दिनों में जो काफ़ी मेहनत कर लोगों ने अपने को नाटकों का हमसे सबके साथ शेयर किया, और साथ में जो वॉइस ऑफ पीपल के कार्यकर्ता है जिन्होंने पूरे को लेकर एक साल खड़ी की, और ये सिर्फ सबके साथ शेयर होगा कि जो पीटर के साथ जो हमारा संबंध है वो सिर्फ इवेंट्स के लिए नहीं लेकिन चाइल्ड पार्टिसिपेशन को लेके जो बच्चों की जो भारी है उसको करना समाज में घर में ओवरऑल अपने उनके जो अधिकार निश्चित करने के लिए, तो ये प्रक्रिया लगभग 3 साल से प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग बच्चों के में लगभग 15 के इसके साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ बच्चे यहाँ आते हैं और उनकी आवाज़ जो 15 हज़ार के उन गाँव में है उनकी आवाज़ को यहाँ रखते हैं। तो पूरी तरह जो प्रक्रिया है इंटेंसिव और बहुत सीरियस प्रक्रिया है। साथ साथ मैं सिकराई के भी हैं, डोनर भी हैं, उनको भी खास तरीके से धन्यवाद चाहता हूँ। और जो हमारा वो व्यक्तिगत से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं भारत के 23 राज्यों में, और अगर उनको ना हो तो ये बच्चे शायद इस तरीके से प्रोसेस में मिल पाते, उनका बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ पीटर को बिल्कुल धन्यवाद देना भी नहीं, लेकिन क्योंकि पीटर का इस तरीके का बैकग्राउंड इस तरीके का प्रोफेशन उन्होंने अपने जिंदगी में जो इन बच्चों के अपने कौन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए थिएटर माध्यम का जो कि देश में बहुत कम लोग करें, और साथ साथ कहना चाहूँगा कि इसको भी हम चले जा पाए और इसको सशक्त बना पाए ताकि साथ ही हमारे अतिथिगण और जो सिविल सोसाइटाइजेशन से भी यहाँ पे शामिल हुए की तरफ से और दूसरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई जो हमारे टीम के साथ काफ़ी पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं मैनेज कर रहे हैं, तो फिर सक्सेस के लिए उनको भी सह जाता है तो चाहिए को भी मेरी तरफ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। और बच्चों अभी मैं आपसे कह रहा था कि आवाज़ जरूर उसमें संवेदनशीलता है ताकि लोगों को असर करता है, और अभी मुख्य अतिथि से टाइम में क्या मैं बच्चों के कुछ कर सकती तो तरफ से अनाउंस किया है कि वो 5,000 रुपये आप लोगों को देना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि आप क्या करना चाहते हैं, 5,000 मिठाई खा जाना चाहते हैं या आपका जो बच्चों का संगठन है उससे कुछ और नेक काम कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, बताइए बताइए वहीं से जगह में बैठे ये आपका है तो कहा है वो अपने ऑफिस से चेक वो हमें देंगी जो है आप सभी लोगों के लिए। मैं आप बच्चों की तरफ से और सभी बच्चों के प्रति की तरफ आपका बहुत आग्रह करता हूँ, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ संध्या को जो पीपल की हमारी कन्वीनर है हमें और आप जानते हैं। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में प्रेरणा देने का उत्साह वर्धन करने के लिए हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे जी सदस्य राज्य महिला आयोग से आए। हम वॉइस ऑफ पीपल की तरफ से अपने बच्चों के और ट्राइब की तरफ धन्यवाद हैं जो हम लोगों को आके बहुत
प्रेरणा दी और बहुत अच्छा लगा उन्हें साथ पाके। हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्लेस पे नहीं चले गए हैं, माँ प्रबंधक उत्तर प्रदेश कल्याण निगम से वो भी चाहे तो उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। वाइस चेयरमैन की तरफ से और भाई की तरफ हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जो पूर्व विधायक जी थे। शायद जब हम लोगों का शादी वाला नाटक चल रहा था तो उसमें उन्होंने कुछ सवाल भी बच्चों से किए थे, तो हम उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अमित चौधरी राज परियोजना प्रबंधक प्लान इंडिया से हमारे बीच में आए हुए हैं, उनको भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने सहयोगी संस्था क्राई के पंकज मेहता जी का, साहिन जी का और कविता जी का, हमारे बीच में लगातार बने रहे 3 दिन तक और बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहे, हम उनका बहुत बहुत वॉइस ऑफ पीपल की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं विज्ञान फाउंडेशन से आए रिचा और संजय जी का। हम धन्यवाद करना चाहते हैं जेपी शर्मा जी का और जो यूपी बीएचए से आए हुए थे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं एसके साई जी का जो आंगन ट्रस्ट से हमारे बीच आए हुए हैं। हम धन्यवाद उनका भी करना चाहते हैं जो साइड में रह के हम बच्चों को लगातार सहयोग करते रहे, जो संगीत के रूप में तबला वादक और हारमोनियम वादक जो हमारे साथी थे हमारे बीच में, हम ट्राई के सभी पार्टनर करना चाहते हैं हमारे बीच में रहे और बच्चों का वर्धन करे और प्रोग्राम सपोर्ट करना भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम उन सभी वॉलंटियर का धन्यवाद करना चाहते हैं जो साथ प्रोग्राम में तो सुन नहीं थे लेकिन पीछे से हम लोगों का हमेशा सहयोग करते रहे, खाने से लेकर व्यवस्था दे रहे सब चीज़ों के लिए, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम सबसे अंत में और कहिए तो सबसे पहले उन सभी हमारे प्यारे बच्चों को धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपने कला से हम सराहेंगे और हम लोगों को सोचने के लिए एक विषय दिए, एकदम ये बच्चे क्या नहीं करते, बच्चों को लाइन की खत्म करना चाहिए। कौन कहता है सुराग या कौन कहता है आसमान में सुरंग होता, एक पत्थर तो तरछालो या एक पत्थर तो छालो। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं और ऐसे लोगों को अपने बस में करते रहेंगे। धन्यवाद। सभी को हमारे साथी बैठे बच्चे और बड़े सभी को आमंत्रण लेकर कुछ टाइम आते लोग लेके जाएंगे।